अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताता चलो कि आज हम लोग जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी, हमारी जो न्यू कार थी उसमें। तो अब आप लोग से रास्ते में आप लोग का थोड़ा सफ़र इंजॉय कराएगी और ब्लू वर्ल्ड सिटी में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। ये आप लोग देख सकते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये देखिए आप लोग, हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में। जगह जगह पे तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के झंडे हो चुके हैं। गेट से अंदर हम लोग राइट साइड पे मवेडिया की मस्जिद देख सकते हैं, जो बड़ी मेहमान ने बनाई है। आप लोग देख सकते हैं चाइनीज टाइप की डेकोरेशन इन्होंने की हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान, तुर्की और चाइना ने मिलकर बनाया है। ये वॉरियर्स ऊपर खड़े हैं, आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, हर पिलर पे एक वॉरियर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और ये अभी हम गेट से एंटर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी बाहर के मुल्क आ गए। और हम ब्लू वर्ल्ड सिटी में एंटर हो चुके हैं। तो आप लोग को दूर घोड़े नज़र आ रहे होंगे, अभी हम उसके करीब जाके आपको दिखाएंगे। ये देखिए चाइना, पाकिस्तान और तुर्की का फ्लैग, पहले चाइना का फ्लैग आता है, फिर पाकिस्तान का, फिर तुर्की का, चाइना और एक ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्लैग भी है। ये आप लोग को घोड़े नज़र आ रहे होंगे, एक नहीं दो दो, ये मेरे ख्याल से तुर्की वालों ने बना कर दिए होंगे पाकिस्तान वालों को, क्योंकि अभी जो अर्थर अल गाजी ड्रामा था उसके बाद उन्होंने इनको बना कर दिए होंगे। ये पाकिस्तानियों को घोड़ों का बहुत शौक हो गया अख्तर अल गाजी और उस्मान गाजी के ड्रामे के बाद। ये देखिए आप लोग, इसके अंदर कैफे भी है, सेकंड कप कॉफी कंपनी, पता नहीं कैसे कैसी कॉफी होगी इनकी। ये देखें आप लोग कितना बड़ा घोड़ा इन्होंने बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया माशाल्लाह। देखें आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और ये देखें इधर कॉफी पीने का अलग मजा होगा। और पीछे भी है, वो अभी आधा बना है, आधा बन रहा है। पिछली बार जब हम आए थे तब ये बना ही नहीं था, अभी बन चुका है तकरीबन आधा, बस तकरीबन बन गया है। तो आइए अब आगे आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों यार मैंने एक मजे की चीज़ देखी है, पहले आपको क्या निज़ाम डालो, पानी पानी माशाल्लाह, क्या निज़ाम है। चार भाई आगे आइए, ऑल पर्स भी गए हुए, मतलब तो गंद है इस साइड पे, ए नीचे गिर ना आ जाए वो, देखो इस तरफ बस। ये आप लोग देखे बुर्ज अल अरब है, और उसके पीछे जो बन रहा है ये बुर्ज अल अरब की मेरे ख्याल से कॉपी बना रहे हैं। और ये आप लोग देखे, और यहाँ पे वाटर पार्क भी आप लोग बताते चलो कि एक बनने जा रहा है 10 साल बाद शायद बन जाए। मंगला व्यू पॉइंट तो आप लोग को याद होगा ना, इतना अच्छा था मंगला का व्यू। ये देखिए आप लोग कितना अच्छा व्यू है, आपको इधर कोने पर लेकर जाते हैं, सेटिंग वेटिंग इनने की हुई है, ये मेरे ख्याल से कोई टक शॉप है। आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, इन्होंने पूरे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। नोट कर लिया जरार व्यू पॉइंट और मंगला व्यू पॉइंट से अच्छा तो नहीं है ये बात है कि व्यू अच्छा आ रहा है, जगह छोटी है उसके हिसाब से, लेकिन सेटिंग एरिया आप लोग देख लें। ये सेटिंग एरिया आप लोग देखें, पाकिस्तान तुर्की का फ्लैग भी है साथ में। यहाँ के तीन चार गेट है तकरीबन, एक गेट वो है वो जहाँ मस्जिद बनी है,
जो मुनीब रहमान ने इफ्तिताह किया था, जिसका उधर एक गेट है जिससे हम एंटर हुए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है गेट, और एक इस तरफ का ही है। और वो देखे बुर्ज अल अरब, जो आपको उल्टा नजर आ रहा है इधर से, लेकिन उस तरफ से कॉपी है बुर्ज अल अरब की, और ये बिल्कुल कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से बुर्ज अल अरब की। यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा होना चाहिए साथ भाई, कि नहीं खबर होता है होना चाहिए, वो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। ये तो वीडियो बन गया। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से हम लोग कहीं और घूमने फिरने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग देखिए टू वर्ल्ड सिटी लिखा हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेकंड कप कॉफ़ी टी, जो कॉफ़ी कैफ़े था, वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके अंदर जो मैंने केक खाया वो बहुत मज़े का था। आप लोग जब आए ज़रूर ट्राई करें। साथ भाई आप क्या कहना चाहेंगे, आकर कुछ बोले कि मेरे चैनल को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आकर बताएं, आकर बताएं। साथ भाई आए, साथ भाई अभी शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हम जा रहे हैं आराम आराम से व्यू पॉइंट पे। आसिम भाई की गाड़ी थोड़ी ऊपर नहीं जा रही थी, अभी जाना शुरू हो गई है तो इसलिए हम रुके थे। अभी हम आराम आराम से वो व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। ऊपर आप लोग को शायद अभी नज़र आ रहा हो, हम ऊपर जाएंगे फिर ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाएंगे कि कैसा व्यू है। माशाल्लाह से अभी हम ऊपर गए नहीं और व्यू चेक करें आप लोग यार, मतलब इतना अच्छा व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है। इतना बड़ा होगा यार ब्लू वर्ल्ड सिटी। जब मैंने आपको शुरू दिखाया था ना, जब शुरू में मैंने आपको झंडे दिखाए थे, उधर से 15 मिनट लगे थे आते आते, तो कितना बड़ा होगा सोचिए ब्लू वर्ल्ड सिटी। और हम व्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाएगी वो व्यू पॉइंट का नज़ारा। ये आप लोग देखें यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। अभी हम व्यू पॉइंट आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के व्यू पॉइंट। तो आइए आप, मैं और साथ भाई आपको दिखाते हैं मिल करके कुछ कैसा सीन है। माशाल्लाह यार देखे जी, पहले इधर जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं। दूर से थोड़ा जूम करके दिखाए, ये साथ ही हमारे पहाड़ है। ऊपर नीचे वालों को ये पहाड़ लग रहा होगा। साथ क्या कहते हो, इस पे चढ़े? नो नहीं होगा, बारिश। चले आप ऊपर व्यू पॉइंट पे जाते हैं। मंगला व्यू पॉइंट तो आप लोग को याद होगा ना, इतना अच्छा था मंगला का व्यू। ये देखिए आप लोग कितना अच्छा व्यू है। आपको इधर कोने पर लेकर जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग वेटिंग इनमें की हुई है। ये मेरे ख्याल से कोई टक शॉप है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, उन्होंने पूरे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। नोट कर लिया जरार व्यू पॉइंट और मंगला व्यू पॉइंट से अच्छा तो नहीं है ये बात है कि व्यू अच्छा आ रहा है, जगह छोटी है उसके हिसाब से, लेकिन सिटिंग एरिया आप लोग देख लें। ये सिटिंग एरिया आप लोग देखें, पाकिस्तान तुर्की का फ्लैग भी है साथ में। यहाँ के तीन चार गेट है तकरीबन, एक गेट वो है वो जहाँ मस्जिद बनी है जो मुनीब रहमान ने इफ्तिताह किया था, जिसका उधर एक गेट है जिससे हम एंटर हुए, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है गेट, और एक इस तरफ का ही है। और वो देखे बुर्ज अल अरब, जो आपको उल्टा नज़र आ रहा है इधर से, लेकिन उस तरफ से कॉपी है बुर्ज अल अरब की, और ये बिल्कुल कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से बुर्ज अल अरब की। यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा होना चाहिए साथ भाई, कि नहीं खबर होता है होना चाहिए,
वो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। ये तो वीडियो बन गया।